अरे पथरा हो गए महाराज, हट जाइए, हटिए हटिए, आप लोग हटिए, आप लोग तो बहुत जनता। नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा वर्मा। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार लगातार सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर के लगातार इसका विरोध जता रहे हैं और बिहार के तमाम जिलों में जाकर इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है उनका और कई सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से वो अपनी सभाओं में आजादी का नारा लगाते हुए भी सुनाई देते हैं। आपको बता दें कि ताजा खबर यह है कि आरा पहुंचे थे कन्हैया कुमार सभा को संबोधित करने के बाद, जिसके बाद जो है लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले पर पथराव किया गया और जैसे तैसे कन्हैया कुमार जो है वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। लगातार जिस तरीके से कन्हैया कुमार सभाएं कर रहे हैं सीएए और एनआरसी को लेकर के, उसके बाद से कई जिलों में जो है उनका विरोध जताया जा रहा है। लगातार बीते दिनों भी 3-4 बार उन पर हमले हो चुके, उनके काफिले पर हमले हो चुके थे, जिसमें उनके ड्राइवर भी बीते दिनों घायल हुए थे, कन्हैया कुमार भी घायल हुए थे। लगातार उनके काफिले पर जो है वो लोग हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग समर्थन में हैं इसके, उनके द्वारा लगातार कन्हैया कुमार का विरोध किया जा रहा है और उनके काफिले पर हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरा का भी यही नजारा देखने को मिला, काफी ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे, उनके काफिले पर पथराव किया गया, जिसके बाद कन्हैया कुमार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। आने नहीं, वो देख ले, हम लोग खुद उठाते देखे हैं। पथराव हो गए महाराज, हट जाइए, हटिए हटिए, आप लोग हटिए, आप लोग तो बहुत जनता, अरे हटिए 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 हटिए, अरे साहब। लगातार जिस तरीके से कन्हैया कुमार सीएए और एनआरसी को लेकर के विरोध जता रहे हैं, इसके बाद जो है उनके काफिले पर लगातार बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, कभी उन पर अंडे फेंके जाते हैं, कभी उन पर ग्रीस फेंका जाता है और अब जिस तरीके से उनके काफिले पर हमला हुआ है, ये देखने वाली बात ये होगी कि आगे जिस तरीके से कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं रोकने की ये एक कोशिश है लोगों के द्वारा और लगातार कन्हैया कुमार जो हैं वो सभाएं इस तरीके से संबोधित करते नजर आते हैं, आगे क्या कुछ कन्हैया कुमार इन तमाम चीजों को लेकर करते हैं और इन पथराव से भी जिस तरीके से लगातार उनका विरोध किया जा रहा है उससे भी कन्हैया कुमार रुकते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वो बिहार के कई जिलों में जाके लगातार जिस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर के अपना विरोध जता रहे हैं, साथ ही साथ सभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इतना ही, तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 111। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।